एक जमाना था जब बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस को ही एक्ट्रेसेस की श्रेणी में रखा जाता था, और इसके अलावा रीजनल फिल्म इंडस्ट्री की कितनी भी सक्सेसफुल एक्ट्रेस को वो दर्जा हासिल नहीं था जो बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस को था। लेकिन अब जमाना बदल चुका है। बॉलीवुड के साथ साथ साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेसेस का नाम भी अब काफी पॉपुलर हो चुका है। हालात तो कुछ ऐसे भी हो चुके हैं अब कि बॉलीवुड में जिन एक्ट्रेसेस को सफलता नहीं मिली या फिर जिनका करियर डगमगा गया था, उन्होंने साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से अपनी नई शुरुआत की, और इसी शुरुआत के जरिए उन्हें एक नई पहचान मिली, और साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम जमाने के बाद उन्होंने फिर से बॉलीवुड की तरफ रुख किया। साउथ इंडिया की एक ऐसी एक्ट्रेस जिन्होंने अपनी करियर की शुरुआत साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से जरूर की, लेकिन अब वो बॉलीवुड में भी अपना एक बड़ा नाम कमाना चाहती हैं, और ये एक्ट्रेस हैं सामंथा अक्किनेनी। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सामंथा अक्किनेनी की जिंदगी से जुड़े हुए 25 अमेजिंग फैक्ट। नंबर एक, सामंथा का जन्म 28 अप्रैल 1987 को केरल में हुआ। सामंथा के पिता का नाम जोसेफ प्रभु है और वो एक तमिलियन है। उनकी माँ का नाम नेने टटे है और वो केरला की रहने वाली है। सामंथा के दो बड़े भाई हैं, जिनमें से एक का नाम है डेविड प्रभु और दूसरे का नाम है जोनाथन प्रभु। सामंथा घर की सबसे छोटी बच्ची है, लेकिन घर की ये सबसे छोटी बच्ची लैंग्वेज में सबसे आगे है। सामंथा बचपन से ही तेलुगु में फ्लुएंट रही हैं। नंबर दो, होली एंजल एंग्लो इंडियन हायर सेकेंडरी स्कूल चेन्नई से पूरी की। सामंथा ने स्टेला मारिश कॉलेज चेन्नई से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया। सामंथा स्कूल टाइम से ही पढ़ाई में बेहद अच्छी रही हैं। वो अपने कॉलेज की टॉपर तक रही हैं। नंबर तीन, आपको जानकर हैरानी होगी कि सामंथा का फैमिली बैकग्राउंड फिल्म इंडस्ट्री से बिल्कुल भी बिलोंग नहीं करता। इनफैक्ट सामंथा ने भी एक्ट्रेस बनने के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। नंबर चार, सामंथा एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं और उनकी पहले की जिंदगी अब की जिंदगी से काफी अलग है। सामंथा का मानना था कि वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके जॉब करेंगी ताकि वो अपनी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकें। नंबर पाँच, सामंथा जब ग्रेजुएशन कर रही तो इसके साथ ही उन्होंने मॉडलिंग भी शुरू कर दी थी, और इसी दौरान उन्हें नोटिस किया गया। फिल्म निर्देशक रवि वर्मन एज अ डायरेक्टर अपनी किस्मत आजमाना चाह रहे थे, लिहाजा उन्हें अपनी फिल्म के लिए एक नया फेस चाहिए था। सामंथा से इम्प्रेस होकर वर्मन ने उन्हें अपनी फिल्म ऑफर की। नंबर छह, सामंथा अक्किनेनी ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 2010 में की। रवि वर्मन द्वारा निर्देशित तमिल फिल्म मॉस्कोविन कावेरी में एक्टिंग की। इस फिल्म में उन्होंने कावेरी का किरदार निभाया। वैसे इस फिल्म की शूटिंग साल 2007 में शुरू हुई थी, लेकिन कुछ परेशानियों की वजह से ये फिल्म साल 2010 के एंड में ही रिलीज हो पाई। नंबर सात, सामंथा की अगली फिल्म गौतम मेनन द्वारा निर्देशित तेलुगु फिल्म या माया चेस्वे थी। जब सामंथा अपनी पहली फिल्म की शूटिंग कर रही थी, उसी समय गौतम सामंथा की एक्टिंग से काफी प्रभावित हुए और तब उन्होंने सामंथा को अपनी अगली फिल्म में लेने का मन बना लिया। नंबर आठ, यूं तो सामंथा के करियर की पहली फिल्म रवि वर्मन की फिल्म थी जिसके लिए वो साल 2007 में शूटिंग कर रही थी, लेकिन क्योंकि ये फिल्म कुछ परेशानियों में अटक गई और इसी दौरान सामंथा ने अपनी दूसरी फिल्म में भी काम करना शुरू कर दिया जो कि उनकी पहली फिल्म से पहले रिलीज हुई, और इस फिल्म का नाम था या माया चेस्वे, जो कि साल 2010 में रिलीज हुई, और इसी वजह से ये सामंथा की ऑफिशियल डेब्यू मूवी मानी जाती है। नंबर नौ, इसके बाद सामंथा ने गौतम की तमिल फिल्म वीने थांडी वरुवाया में भी एक्ट किया। सामंथा की दोनों ही फिल्मों को क्रिटिक्स ने खूब पसंद किया। उनकी ये फिल्म न सिर्फ ऑडियंस बल्कि क्रिटिक्स का भी दिल जीत ले गई। इन दोनों ही फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस में बेहतरीन कमाई तो की ही, साथ ही साथ सामंथा को भी सक्सेस की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। नंबर 10, अपनी पहली ही फिल्म के लिए सामंथा को बेस्ट एक्ट्रेस डेब्यू का अवार्ड भी मिला, और इसके बाद से सामंथा साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम बन गयी। नंबर 11, इसके बाद सामंथा को साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से फिल्मों के ऑफर आने लगे जो कि सामंथा के फिल्मी करियर के लिए काफी इम्पोर्टेंट थे, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट ऑफर था सुपरस्टार जूनियर एनटीआर महेश बाबू जैसे एक्टर के साथ काम करने का मौका। सामंथा ने महेश बाबू के साथ फिल्म डोकुरू में काम किया, और इसके बाद उन्होंने जूनियर एनटीआर के साथ एक और फिल्म बृंदावनम की। ये फिल्म सुपरहिट रही। नंबर 12, सामंथा की फिल्म या माया चेस्वे की रीमेक बॉलीवुड में भी बनी।
बॉलीवुड फिल्म एक दीवाना था सामंता की मूवी या माया चेसवा की रीमेक थी। बॉलीवुड में इस फिल्म को काफी पसंद किया गया। नंबर 13 ईगा और निथाने एन पोनवा संथम साल 2012 में रिलीज हुई। ये दोनों ही फिल्में सामंता के एक्टिंग करियर की टर्निंग पॉइंट बताई जाती हैं। कहा जाता है कि सामंता साउथ की पहली ऐसी एक्ट्रेस थी जिन्होंने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। इसके बाद सामंता की कई और तेलुगु मूवीज आईं। नंबर 14, आपको बता दें कि साल 2017 में सामंता ने साउथ और तेलुगु के सुपरस्टार नागार्जुन के बेटे सुपरस्टार नागा चैतन्य से शादी की, जिसके बाद सामंता का नाम सामंता रुथ प्रभु की जगह सामंता अक्किनेनी हो गया। नंबर 15, नागा चैतन्य और सामंता ने एक दूसरे को 2 साल डेट किया था। इसके बाद इन दोनों ने शादी करने का फैसला लिया और 6 अक्टूबर 2017 में गोवा में हिंदू रीति रिवाज से इन्होंने शादी कर ली। इसके बाद 7 अक्टूबर को क्रिश्चियन रीति रिवाज से इन्होंने एक बार फिर से शादी की। नंबर 16, सामंता और नागा चैतन्य की प्यार की पींगे उसी समय बढ़ने लगी थी जब सामंता और नागा या माया चेसवा में एक दूसरे के साथ काम कर रहे थे, लेकिन उस समय दोनों किसी और को डेट कर रहे थे। जब या माया चेसवा के सेट पर इन दोनों की दोस्ती हुई तो इसके बाद इन दोनों का ही अपने अपने पार्टनर से ब्रेकअप हो गया। नंबर 17, ब्रेकअप होने के बाद इन दोनों की एक और मूवी आई जिसमें नागा और सामंता ने एक साथ काम किया। ये मूवी थी ऑटोनागर सूर्य। इस फिल्म में दोनों की जोड़ी को काफी पसंद किया गया। नंबर 18, 23 नवंबर 2015 में नागा चैतन्य के बर्थडे पर सामंता ने ट्वीट करते हुए उन्हें एक प्यार भरा विश भेजा जिसमें लिखा था, हैप्पी बर्थडे टू माय फेवरेट पर्सन फॉरएवर एंड ऑलवेज अ ग्रेट ईयर इट्स गोइंग टू बी। इसके रिप्लाई में नागा चैतन्य ने उन्हें निकनेम पापा कहकर थैंक यू बोला। नंबर 19, सामंता के लिए सबसे बेहतरीन तोहफा नागा द्वारा दिया गया एक हैंडबैग है जिसमें उन्होंने सामंता की लाइफ के कुछ इम्पोर्टेंट डेट और सामंता और फेवरेट कोड लिखा हुआ था। नंबर 20, नागा चैतन्य और सामंता काफी रोमांटिक कपल्स माने जाते थे। दोनों का रिलेशनशिप बाकी एक्टर और एक्ट्रेसेस का आइडियल कपल था। नंबर 21, सामंता और नागा चैतन्य की शादी सबसे अमीर शादियों में से एक मानी जाती है। नंबर 22, सामंता और नागा चैतन्य के रिश्तों में खटास की खबरें, शादी के कुछ समय बाद ही सामंता और नागा चैतन्य के रिश्तों में खटास की खबरें आने लगी और फैंस को इसका पता सामंता और नागा के रिएक्शन से ही चला। कभी सामंता अपने नाम से सरनेम हटा लेती तो कभी ये भी सुनने में आया कि नागा सामंता का साथ छोड़कर पिता नागार्जुन के घर शिफ्ट हो गए। फैंस के बहुत पता करने के बावजूद भी सामंता और नागा ने खुलकर अपने रिश्ते के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले ही ये कंफर्म हो गया कि नागा और सामंता का रिश्ता टूट चुका है और इन दोनों ने तलाक लेकर अपनी राहें अलग कर ली हैं। नंबर 23, पर्सनल लाइफ के मुकाबले सामंता की प्रोफेशनल लाइफ काफी एक्साइटिंग रही है। अगर अवार्ड्स की बात करें तो सामंता ने अब तक 4 फिल्म फेयर अवार्ड्स, 2 नंदी अवार्ड्स और 4 साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स जीते हैं। इसके अलावा 3 सिनेमा अवार्ड भी सामंता की झोली में आ चुके हैं। नंबर 24, सामंता एक एनजीओ भी चलाती हैं, जिसके जरिए वो महिलाओं और बच्चों को मेडिकल हेल्प देती हैं। सामंता के इस एनजीओ का नाम है प्रत्युष सपोर्ट। अपने फिल्मी करियर में सामंता अब तक 40 फिल्म कर चुकी हैं और उनकी एज साल 2021 में सिर्फ 34 साल है। नंबर 25, सामंता से एक बार उनके इंटरव्यू में ये सवाल पूछा गया था कि अगर वो एक्ट्रेस नहीं होती तो फिर वो क्या होती, जिसके जवाब में सामंता ने कहा कि अगर वो एक्ट्रेस नहीं होती तो वो इस समय पेपर पेन लेकर कहीं जॉब कर रही होती। सामंता को बचपन से ही डांस करना बेहद पसंद है। उनके इस टैलेंट का खुलासा साल 2018 में आई उनकी उस मूवी के जरिए हुआ जिसमें उनके बेहतरीन डांस ने ऑडियंस का दिल जीत लिया। तो ये थे एक्ट्रेस सामंता की जिंदगी से जुड़े हुए 25 अमेजिंग फैक्ट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को लाइक कीजिए और इसी तरह से हमें फॉलो करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। एक और वीडियो के साथ होगी आपसे दोबारा मुलाकात। तब तक के लिए बाय बाय।